To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. हरि ओम भ्रातर भगिन्यः सुप्रभातम् किं भवन्तः कुशलिनः सन्ति अहं पूर्वं पाठद्वयं पाठितवान् आशा क्रियते यत् भवन्तः लिखितवन्तः सन्ति एव अद्य अहं तृतीय पाठस्य आरम्भं करोमि पाठस्य नाम अस्ति भग्नः पिष्टिघटः अस्य पाठस्य आदर्शवाचनम् अहम् अन्ते करिष्यामि पूर्वम् अहं पाठस्य शब्दार्थं कथयामि शब्दार्थं पूर्वं पश्यन्तु दरिद्रः निर्धन भिक्षाटनेन भिक्षा मांगने से पिष्टेन आटे से विचारितवान् विचार किया क्रेष्यामि खरीदूंगा वसति स्म रहता था एकदा एक बार नागदंते खूंटी पर उपविशति स्म बैठता था अजद्वयम् दू बकरे। पाठ की पूर्वार्ध को का शब्दार्थ में दिखाया हूँ, इसमें 10 शब्दार्थ है जो शब्दार्थ को आपको याद करना है। पाठ का नाम है भग्नः पिष्टिघटः। भग्नः मतलब टूटा हुआ और पिष्टिघटः मतलब होगा आटे का घड़ा। इस पाठ का शब्दार्थ पहले याद करना है, उच्चारण करना है। एक बार उच्चारण में फिर करा रहा हूँ, उच्चारण सही सही हो। हिंदी तो आप उच्चारण कर ही लेते हैं, संस्कृत का उच्चारण में फिर एक बार करा रहा हूँ। दरिद्रः भिक्षाटनेन पिष्टेन विचारितवान् क्रेष्यामि वसति स्म एकदा नागदन्ते उपविशति स्म अजद्वयम्। भैया बहनों का काम है कि इसको खूब अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका को उतारेंगे। इसके बाद इतः परम संधि विच्छेद, पाठ के अर्ध भाग में 3 संधि विच्छेद है। भिक्षाटनेन, भिक्षा जो अटनेन, अटनेन का अर्थ होता है घूमने से। यथेष्टम, यथा जोर इष्टम, अपनी इच्छा के अनुसार। कालांतरे, काल जोर अंतरे, इसका अर्थ होगा बाद में। इन संधि विच्छेद को भैया बहन याद करेंगे, फिर मैं उच्चारण करवा रहा हूँ, उच्चारण आपका सही सही हो। भिक्षाटनेन, भिक्षा जोर अटनेन, अर्थात भिक्षा मांगने से। यथेष्टम, यथा जोर इष्टम, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार। कालांतरे, काल जोर अंतरे, अर्थात समय बीतने के बाद, कुछ दिनों के बाद। भैया बहन अपना इसको खूब बढ़िया तरीके से याद करेंगे। हाँ भैया बहन, आप सबों को मैंने पाठ का शब्दार्थ बता दिया, लिखा भी दिया, उच्चारण भी करा दिया, लेकिन आदर्श बातें एक बार मैं और आपको करा देता हूँ। एकम नगरम आसीत तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म सः भिक्षाटनेन जीवने अपनं करोति स्म एकदा सः पिष्टेन पूर्णं एकं घटं प्राप्तवान् तं घटं सः नागदन्ते अवलम्बितवान् सः तस्य अधः एव उपविशति स्म तं घटं एव एकदृष्ट्या पश्यति स्म एकदा रात्रिकाले सः विचारितवान् यदि देशे दुर्भिक्षः भवति तभी एतस्य पृष्ठघटस्य 100 रूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति तदा अहम् एतस्य विक्रयणं करिष्यामि तेन धनेन अजद्वयं च क्रेष्यामि कालान्तरे तेन अजसमूहः एव भविष्यति अनन्तरम् अजसमूहस्य विक्रयणं करिष्यामि महिषीं च क्रेष्यामि कालान्तरे एव गृहे महिषी समूहः भविष्यति तासां विक्रयणं करिष्यामि यथेष्टं धनं च सम्पादयिष्यामि। एकम नगरम आसीत, एक नगर था, वहाँ एक निर्धन व्यक्ति रहता था, वह भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह आटे से भरे हुए घड़े को प्राप्त किया, उस घड़े को उसने खूंटी पर टांग दिया, वह उसके नीचे ही बैठा रहता था, उस घड़े को वह एक दृष्टि से, एक नज़र से देखता ही रहता था। एक बार रात्रि के समय उसने विचार किया, यदि देश में दुर्भिक्ष होगा तो इसे आटे के घड़े को बेच करके मैं 100 रुपये प्राप्त कर लूँगा, तब मैं इसको बेच दूँगा, उस धन से मैं 2 बकरियों को खरीद लूँगा, समय बीतने पर उसे मेरे पास बकरियों का समूह हो जाएगा, बाद में उन बकरियों के समूहों को बेच दूँगा और भैंस को खरीद लूँगा, कुछ दिनों के बाद मेरे पास भैंसों का समूह हो जाएगा,
उनको फिर बेच दूंगा और बहुत सारे धन का संग्रह कर दूंगा। भैया बहन, मैं पाठ के अर्ध भाग को बता दिया कि अगली बार बताना है। आप इसका उच्चारण सही से करेंगे और शब्दार्थ भी याद करेंगे। इसके बाद मैं पाठांतर्गत व्याकरण को बताने जा रहा हूँ। अब भैया बहन देखिए, व्याकरण से संबंधित बातों को देख लीजिए। आशीत है, इसको मैंने अष्ट धातु का रूप द्वितीय पाठ में ही बता दिया था लंग लकार में। आशीत है तो अष्ट धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। भिक्षाटनेन, भिक्षाटन शब्द है, इसमें तृतीया एक वचन है। नागदंते, इसमें सप्तमी एक वचन है। नागदंते मतलब फूटी पर। भविष्यति, भू धातु है, एक लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। करिष्यामि, क्री धातु है, लीट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। आप भैया बहनों को अष्ट धातु का रूपों का अभ्यास मैंने करा दिया था द्वितीय पाठ में। आप भू धातु का भी और क्री धातु का भी आप लट, लंग और लिट तीनों लकार में आप अभ्यास कर लेंगे, उच्चारण भी सही से करेंगे, इसको लिखेंगे भी। आपको मैंने व्याकरण बतला दिया, संधि विच्छेद बतला दिया, शब्दार्थ भी बतला दिया। अंत में आप देख ले विशेष रूपाणी। विशेष रूपाणी जो है यह पाठ लिट लकार के आधार पर है, अर्थात जितने भी क्रियापद हैं इस पाठ में सब लिट लकार में है, भविष्य काल में है। तो वर्तमान काल का शब्द भी क्रियापद है, भविष्य काल का भी क्रियापद है। इसका परिवर्तन कैसे होगा? सभी जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है। प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार में। पिबति, पाष्यति, पिता है, पिएगा। ददाति, दास्यति, देता है, देगा। जानाति, ज्ञास्यति, जानता है, जानेगा। श्रुणोति, श्रोष्यति, सुनता है, सुनेगा। शक्नोति, शक्ष्यति, सकेगा, सकता है, सकेगा। उपदिशति, उपदेक्ष्यति, उपदेश देता है और उपदेश देगा। क्या भैया बहन, आप इसका याद करेंगे और इसको शुद्ध शुद्ध सुंदर सुंदर लिखेंगे। इतः अंते गृहकार्यम, गृहकार्यम अस्ति शब्दार्थम विशेष रूपाणि च लिखित्वा स्मरतु। शब्दार्थ और विशेष रूप को आप लिख करके याद करेंगे और फेयर कॉपी ठीक रखेंगे। अवकाश के बाद आपकी फेयर कॉपी को मैं चेक करूंगा। धन्यवाद।